हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल एफएमसीजी एजुटेक हब। मैं राम यादव आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है, क्योंकि कोई भी सेल्समैन जब भी नया होता है या पुराना होता है और कंपनी कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करती है, या फिर वो सेल्समैन किसी नई कंपनी में ज्वाइन करता है जिसका ब्रांड ही न्यू होता है, तो वो प्लेसमेंट के लिए जो है क्या क्या करना होता है, क्या इम्पोर्टेंट है, उसके बारे में आज की वीडियो है। तो जो आज की वीडियो का टॉपिक है वो हाउ टू सेल ए न्यू ब्रांड या न्यू प्रोडक्ट टू ए रिटेलर। तो ये टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, बहुत ही चीजें आपको सीखने को मिलने वाली है, और जो इसका लास्ट पॉइंट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो में आप अंत तक बने रहे। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा के ऑल सेलेक्ट कर लें, जिससे हमारे आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, वो भी ऑन टाइम। तो साथ में अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और कमेंट कर बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, हाउ टू सेल न्यू प्रोडक्ट या न्यू ब्रांड टू ए रिटेलर। अभी जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि एक रिटेलर अपने आप से एक क्वेश्चन होता है कि एक रिटेलर क्यों नहीं न्यू प्रोडक्ट को अपने यहां पे या न्यू ब्रांड को अपने यहां पे प्लेसमेंट के लिए स्पेस देता है, पहला क्वेश्चन। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो सबसे डर होता है रिटेलर को जो है, वो है कि ट्रस्ट नहीं होता है रिटेलर का कंपनी के साथ में। तो जो ट्रस्ट नहीं होता है, इसके लिए जो है रिटेलर न्यू ब्रांड को अपने यहां पे स्पेस नहीं देता है। तो वो ट्रस्ट कैसे बिल्ड होगा, ये इंपॉर्टेंट है जो इस वीडियो के द्वारा हम जानेंगे। तो ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए जो कंपनी और रिटेलर के बीच में जो रिप्रेजेंटेशन दे रहा है वो है कंपनी का सेल्समैन। तो कंपनी के सेल्समैन में वो कौन कौन सी चीजें होनी चाहिए जिससे न्यू ब्रांड को वो सक्सेसफुली जो है आउटलेट पे रिटेल पे प्लेसमेंट कर पाए। तो वो तीन चीजें हैं जो आपको जानना बहुत ही जरूरी है। तो जो सबसे पहला है वो है सेल्समैन का अपेयरेंस, यानी सेल्समैन दिखता कैसे है। आप जानते हैं कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। तो फर्स्ट इंप्रेशन क्या है, वो है कि आप डिस्टर्ब्ड कैसे हो, यानी आप कैसे ड्रेस के साथ में जा रहे हो, आपका ड्रेस कैसा है, क्या आयरन है या कुछ भी पहन के आप आ गए हो, क्या शूज पे आपने कैरी किया है, पॉलिश्ड है। ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, क्योंकि उससे रिटेलर आपको फर्स्ट टाइम जो है देखता है और वहां पे इंप्रेशन आपका स्टार्ट होता है। उसके बाद आता है स्माइल। अगर आपके पास चेहरे पे स्माइल है तो जो है निश्चित ही स्माइल जो है मैजिक है, आपको कोई भी इंटरटेन करेगा। आप सोचो एक अच्छी फोटो के लिए आप स्माइल करते हो, आप सोचते हो अगर मैं स्माइल करूंगा तो मेरी फोटो अच्छी आ जाएगी। तो अगर एक रिटेल पे या ऑल टाइम अगर आप स्माइल करते हो तो आपकी लाइफ भी अच्छी होने वाली है। तो सबसे पहला बेल डिस्टर्ब, दूसरा स्माइल, तीसरा आपका जो एटीट्यूड होना चाहिए वो पॉजिटिव होना चाहिए। यानी ऐसा नहीं कि आप रिटेलर को कुछ बेचने आए हैं, आप रिटेलर के साथ एक बिजनेस करने आए हैं, यानी जो प्रोडक्ट आप देंगे, जो मार्जिन देंगे, उससे उस रिटेलर के बिजनेस में क्या ग्रोथ आने वाला है। अगर ये आपको पता है, इस माइंडसेट के साथ आते हैं तो आपका एटीट्यूड पॉजिटिव ही रहेगा। और उस एटीट्यूड के साथ अगर आते हैं और आपका एनर्जी लेवल अच्छा होना चाहिए, अगर आप रोते हुए आ रहे हैं तो आप कैसे पसंद करते हैं, क्या आप पसंद करते हैं कोई आपसे मिलने आए और उसका माइंडसेट एकदम से रोने जैसा हो, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और उसके बाद आपने देखा है मैक्सिमम टाइम रिटेलर क्या करता है कि बोलता है नहीं अभी बिजी हूं। तो अगर ऐसा कुछ बोलता है तो क्या आपका फेशियल एक्सप्रेशन कैसा है, ऐसा तो नहीं कि आपका फेशियल एक्सप्रेशन आप मुरझा से गए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और लास्ट जो है सेल्समैन में वो होना चाहिए कि आपका जो सुनने का, लर्निंग का होना चाहिए कि जो है आपका सुनने का, लिसन अटेंटिवली, आप ध्यान से सुने। ऐसा तो नहीं रिटेलर कह रहा दो मिनट रुक जाओ और आपने कॉल से स्टार्ट कर दी, नहीं करना ऐसा। तो ये फर्स्ट पॉइंट है कि सेल्समैन की अपेयरेंस कैसी होनी चाहिए। सेकंड जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है सेल्समैन की नॉलेज। तो सेल्समैन की नॉलेज कैसी होनी चाहिए, इसको हमने तीन पार्ट में डिवाइड किया है। फर्स्ट है
प्रोडक्ट की नॉलेज सेल्समैन की कैसी होनी चाहिए। तो प्रोडक्ट के नॉलेज में सबसे पहले सेल्समैन को पता होना चाहिए कि प्रोडक्ट के फीचर्स क्या हैं और उसका बेनिफिट क्या है, कंज्यूमर लेवल पे बेनिफिट क्या है, रिटेलर लेवल पे बेनिफिट क्या है। उसके बाद सेल्समैन को पता होना चाहिए कि प्रोडक्ट की प्राइस क्या है, प्रोडक्ट का रिटेलर मार्जिन कितना दे रहे हैं, साथ में कंपटीशन का भी डिटेल उसको पता होना चाहिए जिससे वो रिटेलर के ऑब्जेक्शन को प्रॉपर हैंडल कर पाए। और साथ में रिटेलर को जो उसका रिटेलर का कंज्यूमर टारगेट है आपके प्रोडक्ट को लेकर के, वो भी आपको पता होना चाहिए कि ये शॉप है, इस शॉप पे ये कंज्यूमर आते हैं और उसमें आपका प्रोडक्ट कैसे फिट बैठेगा, ये भी आपको पता होना चाहिए। और जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट है, जो सबसे बड़ा डर होता है रिटेलर को, वो डर होता है कि मैंने प्रोडक्ट ले तो लिया, अगर सेल नहीं हुआ तो हम तो आदमी नहीं कुछ करने वाले हैं। तो यानी ऑफटेक का प्लान कैसा है, कंपनी का ऑफटेक की जो रणनीति है, जो स्ट्रेटजी है, वो कैसी है, वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो वो आपके पास पहले से ही पता होना चाहिए कि हम ऑफटेक के लिए क्या क्या करने वाले, रिटेल में क्या विजिबिलिटी करने वाले हैं, बीटीएल में क्या करने वाले हैं, कोई एक्टिविटी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, कंज्यूमर को कैसे हम रिटेल तक लाएंगे, अपने प्रोडक्ट के साथ इंगेज करेंगे, ये सेल्समैन का इसका नॉलेज बहुत अच्छे तरीके से होना चाहिए। दूसरा जो है सेल्समैन नॉलेज में वो होता है कि मार्केट का नॉलेज क्या है सेल्समैन को, कि जो भी मैं प्रोडक्ट लेके आया हूं इसका कंपटीशन क्या कर रहा है, उसका कौन सा ऑफर है, उससे आप ऑब्जेक्शन को प्रॉपर हैंडल कर पाओगे। प्लस आपने जो अपना प्रोडक्ट है वो किन किन आउटलेट में प्लेसमेंट किया हुआ है और उन आउटलेट का मूवमेंट कैसा है, क्या फ्रीक्वेंसी मूवमेंट है, तो आप वहां से रेफरेंस दे सकते हैं रिटेल आउटलेट को। और अगर वो आप रेफरेंस देते हैं तो कहीं ना कहीं आपको जो है उसका बेनिफिट मिलने ही वाला है। और वो बेनिफिट जो है आप जो है रिटेलर को जब आप बताएंगे तो आपके प्रोडक्ट को अपने आउटलेट में निश्चित ही और जो है प्लेसमेंट देने वाला है। तो सेल्समैन नॉलेज का जो तीसरा स्टेप होता है, तीसरी चीज होती है, वो होता है कि सेल्समैन को पता होना चाहिए उस पर्टिकुलर आउटलेट के बारे में। तो नॉलेज अबाउट पर्टिकुलर रिटेल आउटलेट, इससे बेनिफिट क्या होता है कि हर एक रिटेल डिफरेंट टाइप के होते हैं और डिफरेंट टाइप के रिटेल आउटलेट का जो उनका कंज्यूमर क्लास होता है, जो उनके प्रोडक्ट होते हैं, प्राइसिंग होता है, वो सब अलग अलग होते हैं। तो अगर आपको उस आउटलेट को प्रॉपर तरीके से ऑब्जर्व किया हुआ है कि किस टाइप के प्रोडक्ट प्लेस है यहाँ पे, उनका प्राइस जो है क्या है, कंपटीशन कौन कौन से हैं, तो फिर जब भी रिटेलर का जब आप ऑब्जेक्शन लेते हैं, ऑर्डर टाइम पे जो ऑब्जेक्शन होता है उसके क्वेश्चन को आप प्रॉपर आंसर कर सकते हैं। तो ये तीसरा टाइप था। उसके बाद जो है और क्या पता होना चाहिए सेल्समैन को, अपने अंदर बिल्ड होनी चाहिए, वो है सेल्समैन का डिसिप्लिन। तो जो पहला था वो था सेल्समैन का अपीयरेंस, दूसरा था सेल्समैन का नॉलेज और तीसरा था सेल्समैन की डिसिप्लिन। अब डिसिप्लिन में सबसे पहला जो होता है वो होता है कि क्या आपका रेगुलर विजिट है। रेगुलर विजिट से रिटेलर ये कंफर्म करता है कि मेरा क्या मेरा आउटलेट इसकी बीट पे आ रहा है। अगर आपकी रेगुलर विजिट है तो समझ जाता है कि मेरा आउटलेट जो है इस कंपनी के बीट में है, यानी विजिट मिलने वाली है। आप भी जानते हो बहुत सारी कंपनियां हैं जो आती हैं मार्केट में और अपने प्रोडक्ट को जो है ड्रॉप करती हैं और फिर गायब हो जाती हैं। फिर रिटेलर के ऊपर अगर वो प्रोडक्ट एक्सपायर होता है, वो प्रोडक्ट अगर सेल नहीं होता है तो उसके ऊपर एक जो है बर्डन आ जाता है, इसलिए वो न्यू प्रोडक्ट या न्यू ब्रांड को जल्दी इंटरटेन नहीं करते हैं। तो अगर आपकी रेगुलर विजिट है तो वो निश्चित है आपके प्रोडक्ट को एंटरटेन करेंगे। साथ में आपके बीट का कैसा फॉलोअप है, क्या आप बीट को प्रॉपर फॉलो करते हैं, क्योंकि बीट अगर आप प्रॉपर फॉलो कर रहे हैं तो जो है आपका डिसिप्लिन में जो है रिटेलर के पास आप एक फ्रीक्वेंसी में जा रहे हैं तो आपका सेल्स ग्रोथ भी बहुत अच्छे तरीके से होता रहता है और रिटेलर को पता है कि ये इस बीट पे आने ही वाले हैं। उसके बाद सेल्समैन के डिसिप्लिन में सेल्समैन को प्रोसेस ओरिएंटेड आना चाहिए, प्रोसेस ओरिएंटेशन आना चाहिए। यानी अगर एक किसी आउटलेट पे सेल्समैन गया हुआ है तो उसको प्रॉपर जो है स्टॉक टेक करना, फिर उसके स्टॉक को चेक करना, चेक करने के बाद जो है, क्योंकि स्टॉक जब आप चेक करते हो और फिर उसके अकॉर्डिंग आप ऑर्डर बना सकते हो रिटेलर का कि इतना प्रोडक्ट का प्लेसमेंट हुआ था, उसके अकॉर्डिंग अभी इतना प्रोडक्ट आपके स्टॉक में है तो इतना ऑर्डर तो बनता ही है।
साथ में जो है आप फीफो मेंटेन कर सकते हो। कभी कभी क्या होता है कि रिटेलर जो है प्रोडक्ट को जो बाद में आया हुआ उसको आगे लगा देता है और जो पहले का प्रोडक्ट है वो पीछे हो जाता है, तो उसको भी आप मेंटेन कर सकते हो फ्रॉम। और साथ में अगर आप प्रोडक्ट आपका कहीं डस्ट आ गया है कुछ तो उसको भी क्लीन कर सकते हो। उस केस में जो है रिटेलर आपसे जरूर इम्प्रेस्ड होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपका जो है उस केस में कमिटमेंट दिखता है आपकी कंपनी के प्रति, आपके जॉब के प्रति और आपकी कंपनी के प्रोडक्ट के प्रति। तो इस तरीके से अगर ये डिसिप्लिन आप फॉलो करते हो या आपका सुपरवाइजर आपसे डिसिप्लिन फॉलो करवाता है, तो निश्चित ही आपका भी ग्रोथ होगा और उस कंपनी का भी ग्रोथ होगा और आपका कोई भी न्यू प्रोडक्ट न्यू ब्रांड बहुत अच्छे तरीके से उस मार्केट में एस्टेब्लिश हो जाएगा। तो ये थे आज के वीडियो का मेन जो था कि एक सेल्समैन को वो कौन कौन से जो है चीजें आनी चाहिए, कौन कौन से चीजें उसमें इनबिल्ड होनी चाहिए न्यू प्रोडक्ट के प्लेसमेंट के लिए। मैं खुद मैंने जो है जितनी भी कंपनियों में काम किया है या तो न्यू प्रोडक्ट लॉन्च में किया है या जो है रीलॉन्च में किया है, तो हमें बहुत अच्छे से पता है कि अगर ये स्टेप आप फॉलो करते हैं तो निश्चित ही आपको प्लेसमेंट मिलने ही वाला है। तो आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल सेलेक्ट करें, जिससे हमारे आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, वो भी ऑन टाइम। और साथ में अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट कर बताएं कि वीडियो कैसी लगी और आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए। लेकिन उससे पहले एक अपडेट है। अपडेट ये है कि अभी हर संडे को मैं अपने चैनल पे लाइव स्ट्रीम आता हूं, जहां पे कोई ना कोई सब्जेक्ट पे हम लोग डिस्कस करते हैं डिटेल्स में। तो आप हर संडे को आप अपने कैलेंडर में फिक्स करें संडे 5 PM लाइव स्ट्रीम, जहां पे आप अपने से रिलेटेड सवाल भी पूछ सकते हैं और साथ में उस डिस्कशन का पार्ट भी बन सकते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत, बी ड्रीम, इंडिया ग्रीन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।